What's up guys, welcome back to 80 Revolution. मेरा नाम है अतुल. So आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना एनर्जी मेरी डिप्लीटेड क्यों दिख रही है आपको. So उसका एक रीजन है, मैं अभी अभी एक अपनी बैक इंजरी से थोड़े टाइम पहले ही रिकवर हुआ हूँ. So उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ लोग गलती करते हैं, कहाँ उनको स्टॉप करना चाहिए, कहाँ उनको आगे पुश करना चाहिए, किस हद तक अगर आप चाहेंगे तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ. तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है अभी जाके दबा दो, क्योंकि सारे जेन्युइन फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी. सो मैं बात करता हूँ अपनी. मैं करीब 4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, 4-4.5 साल हो गए मुझे वर्कआउट करते करते. देखिए, बैक में, लोअर बैक पेन में जो L4-L5 डिस्क होती है हमारी, ग्लूट्स के पास, हमारे हिप के पास, वहाँ मोस्टली मैंने लोगों को पेन होते देखा है राइट साइड में. मोस्टली बहुत लोगों को लेफ्ट साइड में भी होता है, बट मोस्टली जो देखा मैंने राइट साइड में इस तरफ पेन होता है. तो क्या रीज़न है उसका? देखिए, उसका जो सबसे पहला रीज़न है आपका पॉस्चर. आजकल हमारा लाइफ स्टाइल कुछ इतना ख़राब हो गया है कि हम अपने पॉस्चर पर ध्यान नहीं देते हैं. अब मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ, लोग सड़क पर चल रहे हैं, यू नो, बाइक पे, एक्टिवा पे चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, बैठे हैं, तो ऐसे ये गलत पॉस्चर है. इस पोस्चर की वजह से आपकी, यू नो, जो लोअर बैक है उसमें थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है और वो नहीं चाहिए हमें. देखिए, करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिम वालों की तरह ऐसे करके नहीं चलना है. आपको जस्ट एक नॉर्मल पोस्चर रखना है, चेस्ट अप, शोल्डर वेट प्लेट्स थोड़ा आउट पीछे की तरफ, ये एक नॉर्मल पोस्चर है. चेस्ट अप करके रखेंगे तो आपकी जो बैक है उसमें ऑटोमेटिकली इतना आर्च आ जाएगा. उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि आपका जो बैक है वो बेंट नहीं होगी. इस तरह लोग बैठते भी हैं चेयर पे तो ऐसे डाउन करके बैठे, ऐसे करके बैठेंगे जब आप, तो क्या रहेगा कि टेंशन क्रिएट नहीं होगा. अब वर्कआउट की बात करते हैं. वर्कआउट में भी लोग क्या करते हैं, सेट मार रहे हैं, एक्सरसाइज कोई कर रहे हैं, उसमें हम पोस्चर पे ध्यान नहीं देते, गलत फॉर्म करते हैं. उससे क्या होता है, इनडायरेक्ट टेंशन क्रिएट होता है उनकी डिस्क पे, लोअर बैक पे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है. देखिए, मैं जबकि इतनी परफेक्ट फॉर्म रखता हूँ, इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे इनडायरेक्ट टेंशन हुआ, फील हुआ मुझे, तो मैंने कहाँ स्टॉप कर दिया. मैंने एक दो दिन देखा, मुझे लगा कि ठीक है, ठीक हो जाना चाहिए, एक आध बार स्ट्रेच कर लूँगा, बट नहीं, वो ठीक नहीं हुआ, वो थोड़ा सीवियर होता गया, मैंने वहीं उसको स्टॉप कर दिया. मैंने कहा अब ये वर्स्ट हो उससे पहले ही इसको ख़त्म करो. मैंने क्या करा, हैवी वेट्स उठाना बिल्कुल बंद कर दिया. कम से कम 2 महीने मैंने हैवी वेट्स बिल्कुल नहीं उठाए. मैंने इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ाई, लाइट वेट पे ज़्यादा रेप्स परफॉर्म करे, सुपर सेट्स, जॉइंट सेट्स, इनको परफॉर्म करा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी उतनी थी मेरी मसल पे, बट हैवी वेट के थ्रू नहीं थी. देखिए, लोगों को लगता है मैं बैक मार रहा हूँ, स्क्वाट्स मार रहे हैं, तभी उनको लोअर बैक पर फील होगा, बट ऐसा नहीं है. इनडायरेक्ट टेंशन भी होता है. सपोज आप बाइसेप कर्ल मार रहे हैं, बाइसेप कर्ल मारते हैं, आप थोड़ा जॉग करते हैं तो आपकी लोअर बैक पर आता है. इसी तरीके से आप चेस्ट मार रहे हैं तो आप हल्का सा बेंड करेंगे तो आपके लोअर बैक पर फील होगा. तो इसीलिए इनडायरेक्ट टेंशन से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. मैं काफी लोगों को समझाता हूँ. अब मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट किसी दिन उनको वीडियो में ले आऊंगा कि उन्होंने क्या गलती करी. वो जब स्क्वाट मार रहे थे, उनके पास 1 साल का थोड़ा एक्सपीरियंस था, बट स्क्वाट मारने में उन्होंने फ्री वेट पे स्क्वाट किया, कंपाउंड मूवमेंट है, उन्होंने वेट अपनी लिमिट से ज़्यादा लगा ली. लिमिट से ज़्यादा लगाने के बाद उन्होंने कुछ प्रिकॉशन नहीं लिए, लाइक बेल्ट नहीं पहनी, पीछे स्पॉटर स्पॉट नहीं किया. अब वो जैसे ही नीचे गए वो ऊपर उठ नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके लोअर बैक में थोड़ा सा पेन फील हुआ. उसके बाद उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोअर बैक वाला मुझे ठीक हो गया, मैं जब स्टेज से उतर रहा था मैं जंप कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसल में मुझे हिट हुआ. आज उनकी हालत थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है. उनको क्या हुआ है कि जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्होंने बोल दिया है कि आपकी जो नर्व है वो थोड़ी दब गई है. अब ये ऐसी नर्व है कि लोग इससे पैरालाइज तक हो जाते हैं, बट 50-50% चांसेस हैं आप ठीक हो सकते हो, नहीं हो सकते हो. मैंने उनको खूब समझाया कि यार हैवी वेट्स मत उठाओ. इंजरी के बाद भी उन्होंने हैवी वेट्स उठाए तो आज थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं. इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां मत करा करो, फॉर्म पे, पोस्चर पे बहुत ध्यान दिया करो, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है, कंप्लीट बेड रेस्ट तक पहुंचा सकती है. तो मैं रिकवर हुआ, मैंने सोचा था कि वीडियो तभी बनाऊं, बट मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं खुद रिकवर हो जाता हूं उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा. मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग्स करी,
हैवी वेट्स बंद करने के बाद भी, उसके बाद ही मैं रिकवर हुआ। आपको भी करना है, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेचिंग्स आपको देखनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बना दूंगा। और एक कायरोप्रैक्टिक मैं बताऊंगा जो मुझे किसी ने सिखाई थी, और वो किस तरीके से आपकी बैक पूरा यू नो रिलीफ करती है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो जल्दी लाऊंगा। और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और लाइक करके जाइए वीडियो, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, नमस्कार। I just don't wanna